सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक टॉक के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे हफ्ते की पहली टेक न्यूज है, तो बिना किसी देरी के जबरदस्त गर्म गर्म टेक न्यूज से यहाँ पे जो आज की शुरुआत यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आप और आप सभी के परिवार को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों मेरी तरफ से, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये जो साल है वो आपके लिए बहुत ही यहाँ पे सुनहरा रहे, आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला यहाँ पे रहे। तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, और यहाँ पे आज की पहली खबर की शुरुआत करें। यहाँ पे आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है OnePlus 10 Pro। हम काफी समय से दोस्तों इंतजार कर रहे थे कि OnePlus 10 Pro काफी कब आएगा। दोस्तों बेसिकली मैं बात बताऊँ तो टीजर वगैरह आ चुका था 11 जनवरी को ये जो फोन वगैरह लॉन्च। अभी दोस्तों यहाँ पे लॉन्चिंग डेट के साथ साथ में इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है वो बाहर निकल के आ चुकी है। यहाँ पे ईशान अग्रवाल ने यहाँ पे ट्वीट वगैरह किया, उन्होंने सारी की सारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी वगैरह दी गई। अगर मैं बात बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे 6.7 इंच की QHD+120Hz की यहाँ पे LTPO यहाँ पे डिस्प्ले हमें देखने को मिलेंगी। 5000mAh की बैटरी होगी, 80W के यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। और दोस्तों यहाँ पे बात बताऊँ तो Snapdragon 8 Gen 1 हमें चिपसेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में आएगा 48MP, 50MP, 8MP। यहाँ पे सेकंड जनरेशन Hasselblad का यहाँ पे कैमरा वगैरह यूज किया है, काफी इंटरेस्टिंग बात है। अगर फ्रंट कैमरे की बात बताऊँ तो 32MP के साथ में आएगा, स्टीरियो स्पीकर के साथ में आएगा, और OxygenOS 12 हमें देखने को मिलेगा, LPDDR5 एंड UFS 3.1 के साथ में। दोस्तों तो इस तरह की कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, बाकी लेट्स ही देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे काफी हमें उम्मीदें तो है इसके फोन की से, अभी लेट्स ही देखते हैं कि ये जो फोन है वो एक्चुअल में किस प्राइस पे हमें देखने को मिलता है और कितना इंटरेस्टिंग ही रहता है। इंटरेस्टिंग रहेगा कि एकदम फ्लैगशिप लेवल का फोन रहेगा, बाकी लेट्स ही देखते हैं प्राइस किस तरह का प्राइस पे ये फोन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है बेसिकली दोस्तों बात बताऊँ सैमसंग, तो सैमसंग यहाँ पे जो है अगले महीने धमाल वगैरह करने वाला है। सैमसंग अगले महीने अपने 2 स्मार्टफोन यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करने वाला है। अभी ग्लोबली मान लीजिए तो सैमसंग गैलेक्सी A33 5G फोन होगा, दूसरा जो होगा सैमसंग A13 5G फोन होगा, जहाँ पे एक फोन की जो प्राइस रहेगी 50,000 के करीब रहेगा, दूसरा फोन 20,000 के अबव हमें देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A33 5G इसकी दोस्तों थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन वगैरह भी बाहर निकल के आ चुकी है कि इसमें 6.4 इंच की यहाँ पे जो है फुल HD वाली यहाँ पे डिस्प्ले मिलेंगी, 5000mAh की बैटरी होगी। तो इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह बाहर निकल के आई है, 13MP कैमरा होगा। दूसरी तरफ बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A30 की, तो दोस्तों यहाँ पे डायमंड सिटी का 700 वाला हमें चिपसेट देखने को मिल सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पे जो है सैमसंग काफी धमाल मचाने वाला है, बाकी लेट्स ही देखते हैं कि सैमसंग अगले महीने शाओमी टक्कर की बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं 5G स्मार्टफोन, अभी लेट्स ही देखते हैं कि अगले महीने क्या यहाँ पे खास करता है यहाँ पे सैमसंग कर पाता। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है व्हाट्सएप को। बेसिकली दोस्तों बात बताऊँ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप आप सभी को पता है कि यहाँ पे स्कैम का हेडक्वार्टर रहता है इंडिया में, और ऐसे में दोस्तों अभी एक न्यू स्कैम यहाँ पे व्हाट्सएप पे बहुत ही तेजी से यहाँ पे घूम रहा है, जिसका नाम है redreef.com। इस तरह की कुछ वेबसाइट वगैरह है जो कि लोगों की जो उनको जो अकाउंट्स को या फिर इफेक्टेड वगैरह कर रही है। बेसिकली हो रहा क्या है इसमें कि अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे इस तरह से निकल के आ रही है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बेसिकली जो यहाँ पे आपको किसी प्रकार कोई मैसेज वगैरह भेजेंगे और उसमें क्या होगा कि आपको बोलेंगे कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट का यहाँ पे जो लालच वगैरह दिया जाता है कि आपको ये मिलेगा आईफोन या कुछ भी इस तरह का, तो उसके बाद जब वहाँ पे लिंक करने पे नीचे क्लिक करने के लिए बोल जाता है, जैसे आप लिंक पे नीचे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी अदर वेबसाइट, जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक कर लिंक जो भेजाएंगे तो वहाँ पे सर्वे वगैरह पूछ जाता है, जहाँ पे आपकी एज, नेम, एड्रेस, बैंक इन्फॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल डाटा वगैरह आपसे लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि रिवॉर्ड के चक्कर में बहुत सारे अपने डाटा वगैरह दे दे रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह दे दे रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। कृपया करके दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगा कि कोई भी अगर इस तरह की कोई अगर आपके पास आता है कोई मैसेज वगैरह तो आप उस पर क्लिक मत करिए, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके बहुत सारा डाटा जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट के साथ डिटेल्स वगैरह जा सकती है, और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड वगैरह हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कृपया करके बच के रहिए, क्योंकि आए दिन हम कभी ना कभी सुनते ही रहते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। वैसे में बहुत सारी ये मेलवेयर इफेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फोन ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे प्रॉपर रूप से आपका स्कैन कर लेंगे डिवाइसेस को, और आप जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है और आपके सारे का सारा डाटा यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे में कृपया करके बच के रहिए, अगर इस तरह की कोई भी
चीज आती है तो उसको रिपोर्ट करिए। और कभी कभी एक्चुअली मैं बात बताऊं दोस्तों, मुझे भी काफी बार मतलब जो है जो काफी जो लोग होते हैं यहाँ पे जो हम निकल के आ रही हैं दोस्तों, वो निकल के आ रही हैं यहाँ पे ASUS को लेके। बेसिकली अगर मैं बात बताऊं दोस्तों ASUS, तो ASUS यहाँ पे अपना एक न्यू गेमिंग टैबलेट यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। और मुझे लगता है क्योंकि बात बताऊं दोस्तों, तो गेमिंग टैबलेट जो टैबलेट होगा वो बहुत ही यहाँ पे फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे गेमिंग के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है, ओल्ड इज द बेस्ट, मतलब कि अब तक सबसे यहाँ पे पावरफुल यहाँ पे जो है टैबलेट वगैरह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे में ASUS अपने एक टैबलेट वगैरह लॉन्च करने वाला है 4 जनवरी को दोस्तों, ये जो है वो टैबलेट वगैरह लॉन्च हो जाएगा। तो बाकी लेट्स ही देखते हैं कि 4 जनवरी को पता चल जाएगा एक्चुअली में किस तरह का रहेंगे। और मुझे लगता नहीं दोस्तों कि शायद इंडिया में लॉन्च होगा, पहले शायद ग्लोबली वगैरह जाएंगे, उसके बाद शायद क्या पता इंडिया में आए कि नहीं आए, क्योंकि अभी लेट्स ही देखते हैं कि क्या रहती है कहानी ASUS को लेके, ASUS टैबलेट जो क्या आता है वो किस प्राइस पे आता है। तो यहाँ पे चलिए हम निकल के आ रही हूँ, यहाँ पे निकल के आ रहे हैं दोस्तों पबजी न्यू स्टेट को। बेसिकली दोस्तों बात बताऊँ पबजी न्यू स्टेट के बारे में, तो अभी न्यू साल में यहाँ पे इसकी भी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज वगैरह आ चुकी है। अगर आप पबजी न्यू स्टेट करते हैं तो आपके लिए काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज आ चुकी है कि पबजी जो है दोस्तों यहाँ पे अपने एक न्यू मैप यहाँ पे लॉन्च वगैरह करने वाला है। बेसिकली दोस्तों बात बताऊँ तो यहाँ पे इस मैच जो होगा यहाँ पे हिल्स वगैरह होंगे, प्लेन्स एरिया, बिल्डिंग, यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अगर मैं फोटो बात बताऊँ तो यहाँ पे 3 इमेजेस वगैरह पबजी न्यू स्टेट की यहाँ पे जो है वो शेयर वगैरह की गई है, जहाँ पे बताई गई है दोस्तों। ये बेसिकली मैं बात बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे जो ये आने वाला है वो आने वाला है हमें 1 या 2 महीने में देखने को मिलेगा, जनवरी या फरवरी तक हमें काफी बड़ी अनाउंसमेंट वगैरह देखने को मिलेंगी जब ये मैप आएगा। तो इंडिया के साथ साथ ग्लोबली दोनों जगह पे ये मैप यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छी गुड न्यूज है कि पबजी न्यू स्टेट है वो अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे धमाल वगैरह करने वाला है। तो बाकी लेट्स ही देखते हैं कि पबजी न्यू स्टेट का यहाँ पे जो है वो न्यू मैप है वो किस तरह का रहने वाला है। बाकी आपको दोस्तों इसके बारे में कुछ कहना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना कि आप किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं अभी भी आप पबजी न्यू स्टेट को, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों Xiaomi को लेके। बेसिकली दोस्तों बात बताऊँ यहाँ पे Xiaomi और ओप्पो की, तो अभी जो Xiaomi और ओप्पो है बहुत मुश्किल में फंसने वाले हैं इंडिया में, मतलब कि मुश्किल में आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक रीजन यहाँ पे निकल के बात, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था कि Xiaomi और ओप्पो पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी वगैरह की थी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह निकल के आई है कि 5,500 करोड़ रुपए की यहाँ पे हेराफेरी की गई है, चोरी टैक्स की चोरी वगैरह की गई है, जो कि फॉरन भेजे गए थे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा मामला यहाँ पे जो है वो काफी समय से जो आयकर विभाग है उनके रडार में थे, जो चाइनीज कंपनी जो है Xiaomi एंड दोस्तों ओप्पो, जहाँ पे उन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत सारे जो एरियाज में वहाँ पे छापेमारी वगैरह की थी। तो अभी यहाँ पे बाहर निकल के आई है कि इन कंपनियों ने क्या है कि रॉयल्टी के रूप में 5,500 करोड़ रुपए यहाँ पे से ज्यादा की रकम जो है वो फॉरन वगैरह भेजी है। तो इस तरह का मामला वगैरह अभी बाहर निकल के आया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कार्रवाई होती है तो Xiaomi जो है ओप्पो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में आ सकते हैं, उनपे 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। बहुत ही बड़ी बात है कि 5,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो टैक्स की चोरी की गई है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इसको, इस पूरे मामले को लेके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है दोस्तों ये वो निकल के आ रही है वीवो को लेकर। बेसिकली दोस्तों हम सभी को पता है कि वीवो V23 सीरीज के बारे में आपको मैंने बेसिकली पहले भी बता दिया था कि जो फोन है वो 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीवो की एक न्यू सीरीज और आने वाली है जो कि वीवो Y सीरीज होंगी दोस्तों, वीवो Y20। जी हाँ दोस्तों ये जो फोन है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ दोस्तों इसकी सारी की सारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी निकल के बाहर आ चुकी है और उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी यहाँ पे प्राइस वगैरह भी बाहर निकल के आ चुकी है। सबसे पहले अगर बात बताऊँ दोस्तों तो ये जो बेसिकली इसकी प्राइस है वो रहेंगी 19,990 रुपए में जो फोन वगैरह लॉन्च होने वाला है, और इसमें जो है 4/128 वाला यहाँ पे वेरियंट हमें देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ 6.58 इंच की आपको यहाँ पे फुल HD+ की LCD डिस्प्ले मिलेगी, और इसी के साथ दोस्तों जो फोन है वो स्नैपड्रैगन 680 वाले चिपसेट के साथ में, स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ, यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्राइमरी कैमरा रहेगा, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे दो कैमरा सेंसर वगैरह रहेंगे, तो आपको पता है वो तो जरूरी रहते ही है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 18 वोल्ट की हमें फास्ट चार्जिंग का भी हमें स्पोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा 5000mAh की बैटरी के साथ। जी हाँ दोस्तों वीवो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा काम करने वाला है, बाकी लेट्स ही देखते हैं कि वीवो इस बार क्या धमाल करता है। यहाँ पे जो आज की आखिरी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत यहाँ पे मैं बेसिकली बात बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग वगैरह हुई है अभी न्यू ईयर में, क्योंकि अभी न्यू साल जब से आया है तो ऐसे में जब आज फर्स्ट न्यू ईयर है ऐसे में दोस्तों काफी सारी चीजों पे जो है चेंजिंग वगैरह की गई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है दोस्तों, अभी क्या होता था पेमेंट वगैरह जब हम कभी भी करते थे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, चाहे फिर बात की जाए गूगल पेमेंट की, गूगल एड्स वगैरह होती है, फिर यूट्यूब, तो सभी के सभी जो रूल्स एंड जो यहाँ पे जो है रेगुलेशन वगैरह जो है अभी न्यू RBI की गाइडलाइंस वगैरह जारी हुई है कि अगर आप बेसिकली दोस्तों अगर आप जो है वो कभी
कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो सबसे पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिकली सेव करके डाटा वगैरह रखा होता था। अभी कोई भी कंपनी सेव वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, आपको मैनुअली वहाँ पे अपना नंबर वगैरह, जो पहले क्या होता था कि एक्सपायरी डेट एंड जो उसके बाद सीवीवी नंबर होता था वो सेव वगैरह रहता था, अभी वो नहीं रहेगा, आपको मैनुअली सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह का, क्योंकि पेमेंट को सिक्योर करने के लिए कुछ इस तरह के यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बात बताऊँ यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो न्यू नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों, अभी अगर आप फूड डिलीवरी वगैरह, मतलब कि अगर आप जो है फूड डिलीवरी एप्स से होती हैं, अभी उन पे जो आप खाना वगैरह मंगवाते हैं वो थोड़ा आपको महंगा पड़ने वाला है। पहले क्या होता था बेसिकली दोस्तों, ये जो शर्तें हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी। ऐसे में दोस्तों मेनली क्या होगा कि अभी क्या है, पहले जो भी टैक्स वगैरह लगता था वो रेस्टोरेंट को लगता था, अभी जो टैक्स है वो रेस्टोरेंट को नहीं बल्कि जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि जो एप्स वगैरह है उन पे लागू होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा महंगा वगैरह हो जाएगा आपका, अगर आप खाना वगैरह मंगवाते हैं घर पे तो थोड़ा महंगा वगैरह हो जाएगा खाना वगैरह। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सबसे ज्यादा को मतलब किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, जोमेटो या स्विगी या फिर और अदर ऐप, आप सबसे ज्यादा किससे ऑर्डर वगैरह करते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ पे आज का फैक्ट है कि आपको पता है दोस्तों, सैंडविच की अगर बात बताऊं दोस्तों, आपको पता है एक इन्वेंट कहां से हुआ था? तो जो दोस्तों यहाँ पे बात बताऊं तो यहाँ पे जो ये 1700 में इन्वेंट हुआ था, जहाँ पे जॉन मैंटलो यहाँ पे एक जो एक बेसिकली बताऊं गैम्बलर थे, जो कि अपने टेबल पे पूरे दिन बिजी वगैरह रहते थे, उनके पास टाइम वगैरह नहीं होता था खाना बनाने वगैरह के टाइम, इसलिए वो क्या करते थे अपने ब्रेड में कुछ यहाँ पे जो है वो जो ऐड वगैरह करते थे फूड आइटम्स वगैरह, और उसके बाद उसको बंद वगैरह करके खा देते थे। तो दोस्तों वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज कितना फेमस है सैंडविच, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा। बाकी दोस्तों आप भी पसंद करते हैं सैंडविच, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस दोस्तों इतना ही, आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो जब जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक बटन दबा दीजिए, और आपको शेयर साथ में करना चाहते हो शेयर भी कर ही दीजिए। बाकी कोई अगर आपका सवाल है, कोई आपका सुझाव वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।